क्या हुआ जब 360 साल बाद तोड़े गए ज्ञानवापी मस्जिद के बंद तहखाने और अंदर का नजारा देखकर सबकी रूह कांप गई। मंदिर और मस्जिद के इस विवाद को लेकर आप क्या विचार रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। अगर आप सच्चे सनातनी हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस जरूर कर दीजिएगा और हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी, हमें इस सच्ची घटना को लिख कर भेजा है एक मुस्लिम व्यक्ति ने, उनका नाम सलीम खुरेसी है। सलीम जी ने हमें बताया कि उस समय ज्ञानवापी मस्जिद और बाबा विश्वनाथ मंदिर को लेकर बहुत विवाद चल रहा था। वे रोजाना इससे जुड़ी खबरें देख रहे थे, परंतु वो लोगों के अफवाहों में नहीं फंसना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने सच का पता लगाने के लिए उन्होंने साकिब खान की यासी आलमगिरी पुस्तक पढ़ी, जिसके अंदर उन्होंने 1669 में औरंगजेब ने अपने गवर्नर अबुल हसन को बाबा विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने का आदेश दिए थे और उसी मंदिर के अवशेषों से ज्ञानवापी मस्जिद बनाया गया। यह पूरा सच आलमगिरी पुस्तक में बताया गया है, क्योंकि यह पुस्तक एक मुस्लिम व्यक्ति ने लिखा था, इसे झुठला नहीं सकते थे। सलीम जी एक सच्चे मुसलमान है और वो 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं। यह सच जानने के बाद सलीम जी ने सोचा कि जो जिसका है उसे मिलना चाहिए, और कुरान में लिखा गया है कब्जा की हुई जगह पे नमाज स्वीकार नहीं की जाती, इसीलिए ज्ञानवापी मस्जिद में 3 दिन का सर्वे कराने का आदेश दिया गया। सलीम जी एक एक खबर को अच्छी तरह सुन रहे थे। सर्वे में आई रिपोर्ट सलीम जी की बात को सच कर दिया गया। सर्वे में साबित किए गए थे कि मस्जिद के स्तंभों पर कई सारे कलाकृतियों का निशान है जो कि हिंदू धर्म के हैं, परंतु सलीम जी उनको अपने आँखों से देखना चाहते थे। इसके बाद काशी विश्वनाथ के मंदिर के महंत कुलपति जी ने यह दावा किया कि ये मस्जिद के अंदर जो तहखाना है उसके अंदर बहुत बेशकीमती खजाना है, और यह खबर सुनकर वो भी हैरान रह गए, परंतु वो यह सच्चाई अपने आँखों से देखना चाहते थे, इसीलिए वो बनारस के लिए रवाना हो गए। और ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर पहुँचते ही उनका दिमाग पूरी तरह हिल गया, क्योंकि वहाँ पर एक चौखट लगी हुई थी जो कि पूरी तरह से हिंदू सभ्यता के साथ जुड़ी हुई थी। जब वे ज्ञानवापी मस्जिद के थोड़ा और अंदर पहुँचे, वहाँ के खम्भों पर पान के पत्ते और कमल के फूल के निशान थे। साथ ही में थोड़ी और दूरी पर शेषनाग की एक मूर्ति पड़ी हुई थी, जिसमें उनके फन साफ साफ नजर आ रहे थे, परंतु वो मूर्ति टूटी हुई थी। जब सलीम जी थोड़ा और अंदर गए, घंटे और त्रिशूल के निशान दिखे। जो ये दावा कर रहे थे, साकिब खान के पुस्तक यासिर आलमगिरी में जो भी लिखा है वो एकदम सत्य है। जिसके बाद वह उस वजू खाने में पहुँचे जहाँ पर शिवलिंग प्राप्त हुआ था, परंतु उसे चारों ओर से सील किया हुआ था। वे मस्जिद के निचले भाग में पहुँचे जहाँ पर एक तहखाना मौजूद था। उस तहखाने के ऊपर एक ताला लगा था। वो समझ चुके थे ये तहखाने में कुछ एक ऐसा राज छुपा हुआ है जो इस पूरे विवाद का हल करवा सकता है। सलीम जी ताला खोलने में माहिर थे, उन्होंने चुटकियों में वो ताला खोल दिया और अंदर का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। दरअसल वहाँ बहुत अंधेरा था, परंतु हीरो और जवाहरात की चमक उनके आँखों पर पड़ रही थी। वो इतिहास के साथ छेड़खानी नहीं करना चाहते थे, परंतु वो समझ चुके थे जो बाबा विश्वनाथ मंदिर के महंत कुलपति थे वह खजाने के बारे में सच कह रहे थे। वह बात 100% सच है। जिसके बाद सलीम जी मस्जिद के बाहर आ गए। यह बात वो किसी को बता नहीं सकते थे, क्योंकि उन्हीं की बिरादरी के लोग उनके दुश्मन बन जाते। परंतु हमारे इस वीडियो के माध्यम से सलीम जी ने अपने बात को शेयर की है। आप इस मुद्दे पर क्या विचार रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। और ऐसी सत्य चमत्कारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर प्रेस कर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।